हाय एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है स्टील लाइफ ड्राइंग पर आधारित है, यानी कि सॉलिड चीजें जो होती हैं उनको ड्रा करना, उनकी कोई कंपोजिशन बना लेना। ये आप घर में तीन चार अपनी जो किचन के जो आइटम्स हैं, ग्लास है, कप है, उनको कंपोज कर सकते हैं। आप एक जगह पे रख के उनको आप सामने रख के ड्रा कर सकते हैं। अगर कंपोजिशन अगर आप नहीं बना रहे हैं या आपके पास कोई फोटो है किसी कंपोजिशन का या स्टील लाइफ ड्राइंग का, आप उसको भी देख के बना सकते हैं। तो मैं आज ये पिक्चर बनाने जा रहा हूँ और ये स्केचिंग में, इस तस्वीर में ब्लैक एंड व्हाइट हम ये पेंसिल से बनाएंगे और आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से पेंसिल को हमने चलाना है, किस तरीके से ड्राइव करना है हल्की और गाढ़ी रेखाओं को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। हमें जब भी ड्राइंग करनी होती है तो हम पहले पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते हैं। हल्के हाथ से आपको ड्राइव करना है, इसमें ज़्यादा आपको गाढ़ी पेंसिल नहीं चलानी है, अदरवाइज जो परमानेंट निशान इसके बन जाएंगे आपके। तो आप इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से पेंसिल को ड्राइव करें। आप जब इस पे पेंसिल चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपका जो हाथ का जो प्रेशर है, बैलेंस है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक ही प्रेशर में आपकी जो पेंसिल है ड्राइव होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको कभी गाढ़ा कर रहे हैं, कभी हल्का कर रहे हैं, यानी कि एक प्रेशर में आपकी पेंसिल चलती रहनी चाहिए। आप पेंसिल को 45 डिग्री एंगल पे भी ड्राई कर सकते हैं। ये आपका 45 डिग्री एंगल है। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी किसी एक रेशो में, आप इसको एक साइड में आप इसको चला सकते हैं।
स्टूडेंट, आप क्लॉथ से भी अपनी शेडिंग को स्मूथ कर सकते हैं, और ईयरबड अगर आपके पास है तो ईयरबड से भी आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। जो आपने हल्की शेडिंग की हुई है उस पर आप ईयरबड से इस तरीके से उसको स्मूथ कर सकते हैं। एक बार आप इसको स्मूथ कर लीजिए। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप इसको ईयरबड के माध्यम से आप इसको ऐसे स्मूथ करेंगे अपनी शेडिंग को। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कहीं कहीं से स्टेनलेस स्टील का अगर मान लीजिए ढक्कन है तो आप इस पे रेजर से हाईलाइट कर सकते हैं। ये मैंने इसको ऐसे स्मूथ कर दिया है। अब जैसे यहाँ से ये डार्क दिखाई दे रहा है तो आप इसको यहाँ से डार्क कीजिए, हल्के हाथ से ऐसे ही पेंसिल को ड्राई कीजिए, और बिल्कुल आप इतना प्रेशर नहीं दीजिए कि अलग से कोई लाइन दिखाई दे। इसी शेड में ये मिक्स हो जानी चाहिए आपकी लाइन, ये आपकी जो शेड है डार्क शेड है, ऐसे बिल्कुल वेरी लाइट यू हैव टू ड्राई योर पेंसिल। अब जहां जहां ये हाईलाइट हो रहा है आप वहां पे रेजर से ऐसे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। स्टूडेंट्स, किसी भी ड्राइंग में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हम ड्रा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उसका एक ही कारण है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपको ये देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं उसका कोई भी हिस्सा है, कोई भी पार्ट है, आपको उसको अच्छे ढंग से ड्रा करना है, यानी कि उसके एक एक रेशो प्रोपोर्शन पे काम करना है। हैंडल कोई है या यहाँ पे आपने शेड करनी है, या आपको जरा भी कोई हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि शेडिंग दिख रही है आपको, तो आपको वो उस पर ध्यान देना है। इफ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स देन बिग थिंग्स टेक केयर देमसेल्फ, है ना, ये कहावत आपको आपने सुनी होगी। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें आप ठीक करते जाएंगे तो आपका ये ओवरऑल इम्प्रेशन है शेडिंग का बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको यहाँ पे डार्क शेड दिखाई दे रही है किसी भी हिस्से पे, आप पहले लाइट शेड ही डालें, एकदम से उसको डार्क ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो बाकी वाली शेड है उससे आप उसमें उसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है हल्की और गाढ़ी शेड को, इसलिए हम पहले ना लाइट शेड ही यूज करते हैं। ऐसे हल्के हल्के आप सब में लाइट शेड डालना है। इफेक्टिव शेडिंग के लिए आपको जो आपने पहले शेड हल्की शेड की है उसी पे सेम प्रेशर से आपको शेड करनी है। जिस हिस्से को भी आपने डार्क करना है उसको आपने ऐसे ही सेम प्रेशर से, पेंसिल का प्रेशर बिल्कुल सेम होना चाहिए, और इस तरीके से आप उसको आपने शेड करते जाना है। और आपको कहीं से कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने ऐसे हाईलाइट करना है तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं कहीं कहीं से। इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको, आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ये इतना आसान काम नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आधा घंटे में या वन आवर में आप इसको खत्म करना चाहेंगे तो ये ठीक बनेगा, ये वेरी स्लोली एंड स्टेडी यू हैव टू वर्क ऑन इट।
ये देखिए मैं सेम प्रेशर से इस पेंसिल को चला रहा हूं। किसी भी फ्रूट में अगर आपको शेडिंग करनी है, यानी कि ये एप्पल है, यहाँ पे आप शेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको बाहर की जो लाइन है इसको आपने थिक नहीं करना है, यानी कि गाढ़ा नहीं करना है, पेंसिल से कोई अलग से ड्रा नहीं करना है कि लाइन। आपने पेंसिल को ऐसे चलाना, ऐसे पकड़ना है पेंसिल को, और इसको यहाँ प्रेशर देते हुए आप इसकी शेडो बना सकते हैं लास्ट में इसकी बॉटम पे, और आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस पर आप ईयरबड या कोई क्लॉथ पीस से आप इसको फैला सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे शेडिंग करनी है तो आप पेंसिल को ऐसे करके शेडिंग नहीं करेंगे, यानी कि इस किनारी पे बनाना है तो आपको पेंसिल, आपकी पेंसिल ऐसे होनी चाहिए, और यहाँ पे शेडिंग करनी है तो आपकी पेंसिल ऐसे होनी चाहिए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करेंगे, क्योंकि जो फिनिशिंग पॉइंट है आपका ये आगे वाली टिप है, ना कि ऐसे नहीं करेंगे आप यहाँ पे शेडिंग। और जहां पे जरूरत नहीं आप वहां पे मत कीजिए उसको, आप इस शेडिंग, इस शेड को फैलाएंगे तो वही काफी रहेगा इसके लिए। आप अब शेडिंग के नीचे, मान लीजिए शेडो के नीचे शेडो अगर आप बनाते हैं तो आपकी पहले वाली शेडो लाइट रहनी चाहिए, यानी कि अगर इसके नीचे एक शेडो और आ रही है तो ये शेडो इस शेडो से हल्की होनी चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली शेडो है वो आपकी डार्क होनी चाहिए। इट विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। आपको एक बार हल्के हल्के सब जगह शेड कर देनी है, और जो आप फ्रूट बनाना चाहते हैं या कोई कोई वेजिटेबल है या कोई बॉल है तो आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी जगह पे आप हल्की शेडिंग करके ऐसे धीरे धीरे आप ड्राई करते हुए शेडिंग आपने कुछ इस तरीके से करनी है। शेडिंग में क्या बात आपको ध्यान में रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई सरफेस लगता है, यानी कि कोई, जैसे मान लीजिए ये फ्रूट यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में आपको गैप दिखाना है, लेकिन इस तरीके से दिखाना है लाइट एंड डार्क से, ये लाइट है ये डार्क है, तो अपने आप ही ये लाइन इसमें क्रिएट हो गई, डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक ऐसे ही यहाँ पे है, अगर ये हल्की शेड है तो आपको अगर बाहर भी हल्की करेंगे तो ये जो हिस्सा है उस हल्की शेड में मिल जाएगा, यानी कि इसको सही ढंग से डिफाइन नहीं करेगा। तो आपको ये क्या करना है, या तो अंदर वाला हिस्सा डार्क होना चाहिए या बाहर वाला हिस्सा होना चाहिए,
इसी तरीके से आपने इस कोने पे देखना, देयर शुड बी ए गैप, शेडिंग का गैप होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग ये क्लासिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो यानी कि आप शेडिंग करेंगे इसके, आपने इस तरीके से आप इसको जहाँ पे आपको लाइट रखना है, आपको पेंसिल वहाँ आप खोस के तो चलाएं नहीं, और खाली जहाँ डार्क एरिया है कैप्सिकम में, तो डार्क एरिया चिल्ली में जो भी आपको दिखाई दे रहा है पहले डार्क एरिया ही कर लें। इसमें ऐसे देखो एक ही प्रेशर से आपको ये करना है, एक प्रेशर से अगर आप करेंगे तो बड़ा ही सुंदर टेक्स्चर आपका तैयार होगा। और बाद में आप इसको हाईलाइट करने के लिए कहीं पे इसको डार्क कर सकते हैं और कहीं आप इरेजर से इसको लाइट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। सो अब देखिए ये मैंने बाहर का हिस्सा बनाया है, मैं इसको यहाँ अंदर से इसको चिल्ली को यहाँ से ड्रा करूँगा, तो मैं ये जो इसका ये राउंड है यहाँ पे दो शेड है, अंदर भी शेड है बाहर भी शेड है, मैंने बाहर वाली पहले बनाई है, अंदर वाली जब बनाऊंगा तो इन दोनों के बीच में एक मैं गैप मेंटेन करके रखूँगा। ये आते ये देखिए मैंने थोड़ा सा गैप यहाँ पे उनके बीच में छोड़ दिया है, अब आपको यहाँ से देख लिया ये देखिए इस तरीके से आपको स्टील लाइफ ड्राइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने सामने रख के आप इसको ड्रा कर सकते हैं, हल्की हल्की लाइन लगा के आप ऊपर वाले हिस्से पे भी आप ऐसे इम्प्रेशन दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी स्टील लाइफ ड्राइंग रेडी हो चुकी है। इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये आप देखिए, पहले पेंसिल आपकी बहुत ही बारीक होनी चाहिए, और जहाँ भी आपको मतलब शेडिंग की जरूरत पड़े, यहाँ को जहाँ भी आपको शार्प शेडिंग करनी है तो वहाँ पे आप इसको शार्प कर सकते हैं, 2B से लेकर 6B तक की पेंसिल आप इसमें शेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 2B से 6B की तक नॉर्मल HB पेंसिल भी चलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा डार्क अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसमें इसको आप दिखा सकते हैं। तो आप घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रख के या कोई अपना कोई ड्राइंग है डाउनलोड करके सामने रख के आप इसको बनाइए, और लाइन को हटाने की कोशिश कीजिए, होश के तो क्लियर लाइन कहीं से दिखनी नहीं चाहिए, शेडिंग दो शेडिंग के बीच में यानी के कोई भी दो डार्क के बीच में आपको लाइन इस तरीके से क्रिएट करनी है, और लाइट एंड डार्क के बीच में अपने आप ही ये यहाँ अंदर डार्क है और ये लाइट है, दोनों के बीच में अपने आप ही लाइन बन जाएगी, और होश के तो हल्की पेंसिल चलाइए, गाढ़ी पेंसिल आप नहीं चलाइए। तो इन चीज़ों का आप स्टील लाइफ ड्राइंग में स्केचिंग में ध्यान रखना आपको, और जहाँ भी हाईलाइट आपको करना है वहाँ फ्रेश इरेजर का आप कहीं भी हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से, जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। So, thank you for watching.